बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल सर? बड़े बिगे दरों दुआ करना सर वेखन जी ने कि बिन भाई ने खुश रहो, बाथरूम में शस्त वस्ते रहो जी। सैद का टाइम हो चुके और हूँ मैं उठाया, मूँह हाथ धोया और इधर भी जरा कहना दसन लगे कोई ना स्पीकर दे टाइम के सैद का टाइम किन्ना कह रहेगा। मेरे ख्याल के टाइम किन्ना कह रह गया होना, तकरीबन 45-46 मिनट रह गए ने। थोड़ा जहा जी लेट उठे हाँ, लेकिन बेगम साहब जी है ना किचन अंदर है। हो गया सालन गरम? हाँ, सालन गरम हो गया। मैं रोटी ला के रखी थी, पानी मैं तेरे बना दे नहीं, आप पानी रख लेना सादा। ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और मेरे ख्याल है सालन गरम हो जाता है जी। और रोटियां जड़ियां ने शाम नु जड़ी पकाईयां सी, रोटियां आज बेगम से मन के ताजियां रहन दे, कोई मसला नहीं, ये खा लवांगे। और सालन जिहड़ा हैगा ना है जी मुर्गा, आलू मुर्गा, आलू चिकन, मैं कह रहा सी आलू मुर्गा। चलो ठीक है जी, फटाफट जिहड़ा हैगा रोज़ा रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल वहाब जिहड़ा है ना वो भी उठा फिरता है, हाँ रोज़ा रखना है। खड़ा वेख किवें कर चुम्मी चुप करके। और बेगम साहबा जी है ना वो भी नाश्ता पानी कर रही है। अब्दुल वहाब कह रहा मैं भी खाना पीना है कोई, खवा लेंगे रोजा रखा। अब्दुल वहाब रोजा रखना है? हाँ रोजा रखना। रोजा रखना है, चुप करके खड़ा। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। सैरी करके नमाज पढ़ के सौ गया, तकरीबन हूँ 11 बज रहे हैं, मैं हूँ उठाया सुबह का। और बेगम तो मैं कह रही अब्दुल वहाब की जी तबीयत खराब हैगी, बुखार हैगा सी थोड़ा थोड़ा पहले, तो दवाई लैन दी सी, तुसी वेख्या होना पिछले दिन से दवाई दिती भी आ, लेकिन उनकी तबीयत जी नहीं नहीं ठीक हुई बिल्कुल ही। और हूँ कितने जाना है? इधर होया जी, सही क्योंकि इतने नज़दीक छोटी जी सिटी हैगी, उत्तों तुम हाथ भी खाया दवाई लैन दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। अज दूसरा दिन है तो उनकी बल्कि मजीद तबीयत खराब हो गई है, तो हूँ सोच रहा तो अच्छा जो डॉक्टर हैगा इस साइड पर है, शायद तकरीबन 10-15 किलोमीटर है, तो मैनू भी रोज़ा सफ़र करना, कल भी समझ लो कि काफ़ी सफ़र करना पाया, बड़ी तबीयत रात में जी मेरी खराब रही है, हूँ फिर जो सफ़र करना पै रहा। चलिए फिर चलो तैयार कर उन्होंने कपड़े वगैरह जो थे जी। और सुबह सुबह जो है ना समझ लो कि काम वगैरह जो किया है थोड़ा बहुत मूँह धोन तो पैड़े समय से काम किया, जो साइडा सफाई वगैरह की है काफ़ी सारी ऐली सुबह सुबह, इतने गाह वगैरह हो रहा है, तो मैं खड्डे वगैरह के बना दें पानी देने ता कि बूटे वगैरह जो ग्रो करे, और इन्होंने जी मिट्टी निकली आ वो चक के ना इन्हों पा दी, मैं चलो बाहर के सीटनी इतने कम आ जाएगी। साइडा तो कटिंग वगैरह हुई है ना, तो इस तरह पार्क जोड़ा ना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा पहले नालों ही, हूँ वो सैड नुक्कर रह गई इतनी कि हूँ अब्दुल वहाब की दवाई लैके वापसी तो आके काम करा, इतों इतनी सारी रह गई है बस उतों तक, बाकी सारा कर लिया, अद्धा घंटा लग गया मैं सारा क्लीयर कर लिया। दवाई असी लै लिया, लैके दी है ना घर वापस जा रहे हूँ, गर्मी जी है ना कल नालों भी ज़्यादा हैगी आ, वेलकम बैक जी। दवाई लैके आ गए थे, उस तो बाद मैं सौ गया सी, तकरीबन 2:30 बज गए ने हूँ उठाया, तो हूँ सोच रहा ना लवा अज ना समय लोग के चक्कर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हैगी, सफ़र करके एक ना अज मैं लगता है कि मेरा जो ब्लड वध्या खड़ा अज फिर काफ़ी सारा, तो बेगम साहबा जी है पूछने वाले मैं ना लवा पहले मेरे ख्याल है, या मैं ना समान लै आवा पहले वापसी ते आ के ना के सुकून ना सवांगा, की ख्याल है? नहीं नहीं ना के गया ना तो गर्मी है काफ़ी सारी, मुड़ मेरा कोई फायदा को नहीं होना, उमें मुड़ हो जाना सब नो ज्यादा जेड़ा है ना अज रोजा लगता पे, बहुत ज्यादा गर्मी हैगी, बहुत ज्यादा हूं जाके बदल वगैरा बने ने काफी सारे, तुम देख सकते हो सूरज मध्यम हो गया, लेकिन ना हबस जी बनी हुई है इनकी वजह से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। गार्डन का जो काम है वो मैं सुबह सुबह शुरू किया, तकरीबन घंटा अद्धा काम किया, लेकिन थोड़ा जहा रह गया, हूँ मैं सोच रहा अज शाम जो पानी वगैरह लावगा खाद वगैरह दे के, लेकिन वह भी जो नहीं हो रहा रोजे न क्योंकि पहले जो बहुत ज़्यादा इन्ना तुम पहले दिखाया तो इन्ना सारा रह गया, सिर्फ
ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਪੁਲਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਪਕਾ, ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਕੁ ਜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਟਨੀ ਵੀ ਲੈਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਰਾਇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਵਾਂਗਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਾਈਏ ਬਾਈ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਪਰਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਰੁੰਦਾਵੇ ਰੁੰਦਾਵੇ ਰੁਸਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਲੈਣੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਵਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਰਾਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੰਦਕ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਰੀ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ, ਬੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਪੈਣ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਨੇਰ ਆਊ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਸਟਰ ਉਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ, ਸਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਾਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਧੱਕੇ 'ਚ ਹਿੰਜੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
तू इत ना कटे ये अखी कमजोर होंगे ना मेरे आप दे मदा बड़ा अखी दे विच पानी कुड़तन की वजह तो बहुत ज्यादा इन दी अखी बड़ी कमजोर है मिसाले तो जेड़े है ना बेगम साहब पूरी देख दे काट छड़े ने पिछली बार पका पुलाओ चावल मुर्गे गालिए गोश्त अद्धा किलो पकाया मेरे ते आज पका रहे डेढ़ किलो हाँ चावल अच्छे है व्यो जाते हैं काफी सारा बड़े पतीले च नाले पकावी हाँ इन को नहीं पकने और कटीजन लगे दनिया दनिया भी अजकल बड़ा महंगा होया पे गर्मी है ना हूँ ये तो मिसाले दे वेची ले आंदा वैसे हूँ अजकल बड़ा महंगा होंदा बहुत ज्यादा मौसम का है ना दाने हाँ हाँ चटनी भी कानी कोट लवी मैंने बेगम साहब जी है उन्नी देर तक चावल वगैरह पका लवेगी मेरा थोड़ा बहुत जो काम रहा है इस साइड तो अगर दो बार विखाई खाना कंप्लीट होया पाया बठल में लैन है और रंबा भी इस साइड तो जो शुरू करने क्योंकि शुरू ना किया तो खत्म नहीं होगा ताकि रोज़ अवतार आने तो पहले पहले ने काम सारा खत्म हो जाएगा मेरा सूरज भी गरूब होया खड़ा और अलहमदुल्ला मैं भी अपना जो काम खत्म किया और जो रगड़ा जहा भी लैके आ गया खड़कार ही पा दिता सिक्के बारे बई और तीन चार दिन हो गए ना क्या होया कि जरा ना गाह की कटिंग मैं करके दे दे फिर अबू ने थोड़ा बहुत व्ढे है लेकिन मशीन अज आ गई अंदर इको जब दी जाएगा घट घट मैं भी जरा सारा मुकम्मल कर लिया टोटल मिट्टी वगैरह वाली साइडा तो रखी है रोज़ अफतारी तो बाद जो एक जगह तो किसी पास सट्टा खराब ही ना कर दे भाई आराम हाँ नवी लैवे आप आराम ना यार फाइनली जी अलहमदुल्ला साढ़े तले जे की कटाई हो चुकी है हूँ जरा ना सही गार्डन तरह गार्डन लग रहा बिल्कुल बेहतरीन हो गया तो बाकी जरा ना हूँ पानी वगैरह हम शाम लाने अफतारी तो बाद इंशाला तकरीबन सारा गार्डन हम सोहना सोहना हो गया कुछ बूटे वगैरह लैने हूँ जिस दिन साई वाल गया ना इंशाला उस दिन मैं लैवगा क्योंकि मैं सुबह की मेहनत कर लग्या तो मैं हाफिया पाया सही गल तो सारा जोड़ा है ना मैं सुबह 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 शुरू किया शाम तक मैंने सारा खत्म कर लिया हूँ पानी वगैरह लावे मैं तो अपना जोड़ा ना काम खत्म कर लिया सारा चावल तैयार हो गए जी सर तेन चंकी लगे दो सोडा बना ला दो सोडे बना ला टाइम रह गया तकरीबन 30-35 मिनट रह गया वेख तो सही थे कटिंग हो गई सारी बेगम साहब दे सालन वगैरह पका रही थी ते बिल्कुल ना फ्रेश हो गया और फिर उन चोट लगी हुई है ना आराम आराम ना टोर के लाया अवतारी तो पहले पहले मैं सोच रहा सी खाद वगैरह पा ली और बेगम साहबा नु दित्ती सी पता नहीं किथे रखी हुई है खाद तैनूं ढूंढ के देनी है तैनूं कोई नहीं पता किथे क्या बात है क्या मैं बाल फक्के मार के खंड बना के खा गया मैं नहीं रखदी कौन जो चीज रखी होनी है चलो चक दे ना कि मैं थोड़ा बहुत सट के ना पानी सट देवा पाइप आपे लगदा रहे आस्ता खड़ा टाइम मुंह हाथ धो ला ते चल उठे बाओ मुँह हाथ तो मैं धो लिया साफ सुथरा हो गया आराम कर दिन जन बिल्कुल लथ गया रोज दिन समझ लो कि दो चार पाँच मिनट ही पे होने अबू और भी आ गए ने ते सिस्टर और आ गए ने ते हुण मैं सोच रहा हूँ मैं तो बड़ी कोशिश की तुहाडे तो बाद तकरीबन 5-7 घंटे लगा रहा तुहाडे चैनल तो कोई हुंदा कोई हिसाब किताब नहीं लगा वो नहीं हुण समझ लगे अगर महीना पूरा एक होर वेट करांगे आपां उस तरह तो फिर इम्यूनिटी नहीं होगा तो महीना होर अपनी मेहनत जाया हो जाएगी मैं हूँ ये सोचा कि तुम नवा बना देना सही है ना चलो 2.5 महीने ला लो ये चंकी हो सी शायद जो भला ही होंगे तो चलो इतनी देर किस्मत ना हो सी कुछ है हैं टेंशन सिस्टर तो बड़ी परेशान कोई नहीं होंगे रहा है
क्योंकि मैनू भी इस समय जो नवा चैनल बनाया तेन पता ना पांच छे महीने समय लग मैं जलील हो नहीं होया मोनीटाइज मेरा भी मैं जो नवा चैनल बनाया सी ना मेरा भी समझ लो कि पांच महीने तो बाद मोनीटाइज होया सी बहुत ही हालांकि वाच टाइम पूरा हो गया सब्सक्राइबर पूरे हो गए उस तो बाद पांच महीने समझ लो कि मेरा उन्होंने मोनीटाइज नहीं किया बड़ा उन्होंने मैंने जलील किया जिमें सिस्टर उन्होंने मसला चल रहा है तो फिर मैं नवा नहीं बनाया बड़ी कोशिश पांच छः महीने जिमें मैं तो वेट कर लिया लेकिन सिस्टर मैं चाहना कि नवा बन गया ना तो अठ दस दिन के ही शायद जो मोनीटाइज हो सकता है तो आप अगर महीना होर वेट करिए पहले दो महीने आप जाया कर चुके हैं तो उनके बावजूद भी मोड़ो मुड़ी मोनीटाइज कर देवे फिर मोनीटाइज ना कर मेहनत अपनी मुड़ जाया हो जानी उन बेहतर नवा ही बना दो ठीक है अगला भी उमें रहन दें महीने बाद फिर अप्लाई करा भी वह भी मोनीटाइज हो गया तो भी लगा लगा सही नहीं चलो ठीक हो गया अफतारी का भी टाइम हो गया हाँ बेगम साहब जी ने दो सोडा वगैरह बना रही बोतल बोतल कौन नहीं पाई मेहमान आ गए चलो ठीक यह आला जो है ना सिस्टर उन्होंने चैनल है तो तुम वेख्या होना समझ लो कि उन्होंने फिर जरा ना दसिया है 16 मई 2022 फिर रीअप्लाई का ऑप्शन जरा ना अनेबल करेंगे तो तकरीबन समझ लो कि पूरा महीना जरा ना जाया पहले भी किया इस तरह पहले लिखे से 9 अप्रैल किया नहीं होया फिर 16 मई का दसिया उन्होंने यह वाला जरा है ना आया हुआ मैसेज जरा है ना उन्होंने डीमोनीटाइज किया चैनल यू आर चैनल इज नॉट इंप्रूव फॉर द यूट्यूबर प्रोग्राम दो दिन पहले आया हुआ तो देखने हूँ की बनता है और यह वाला जोड़ा है ना दूसरा इन्हों का आया जीमेल ये तकरीबन आया हो 10 मार्च का जोड़ा इस पिछले महीने समझ लगे 2-3 महीने हो गए ने इस तरह जोड़ा ना मोनीटाइजेशन की मैं अप्लाई करी दी मोनीटाइज नहीं हो रहा 6-7 हज़ार सबसक्राइबर भी है सी, और चैनल ही माशाल्लाह अच्छा जा रहा है अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन मोनीटाइज ना होने की वजह तो यह चैनल जोड़ा ना हूँ बंद करना पेगा हूँ नवा चैनल जोड़ा है ना सिस्टर बना के देवगा अलहमदुल्ला जी 16वां रोज़ा दे जिहड़ा अफ्तार हो गया रोज़ा का पता ही नहीं लग्या वेख ला 16वां रोज़ा इफ्तार हो गया नहीं अगे अगे गर्मी वधदी पई आ कोई नहीं कदे कदे हो जाता वैसे तो मैं काम अज बड़ा किया काफ़ी सारा फिर सफ़र भी करना पै गया फिर इन्हें जो गार्डन काम ही किया इस करके थोड़ा बहुत महसूस होया बाकी तो कोई नहीं मसला हाँ मैं कह रोज़ रोज़ काम करना कोई नहीं सिस्टर उन्हें सद के लै दे उन्होंने काम तो अबू नहीं आख अबू नहीं कह चावल भी जी हो गए ने बिल्कुल तैयार और बेगम साहब जी सलाद वगैरह ले हूँ बना रही है आ लाओ तो निकलो कर तितो रो तितो रो नहीं असी बनाई वावा सारे ने वैसे सलाद की है जी खीरे चटनी खीरे रायता भी बनाया हां रायता ही बनाया आ बनाया तो बनया की गुलाब दा हिस्सा ही ले जांदे दस्तरखान जेड़ा ना साडा सज चुके अबू भी जेड़ा ना आ गया मेरे घेडे ने आए ने चमची दे दे रोटी पानी खा लिया और हुण जेड़ा ना खाद चक के लैन दी आ DAP दी ये जेड़ी सारे जिन्ने बूटे है नाल खाद देवांगे नाल जेड़ा है ना पानी मोटर जेड़ी ना चला दी आ मैं जरा ना पानी वगैरह देने लग्या अज का बेला इतने खत्म करने और मैं दुआ करना साढ़े वेखन जिनी की बहन पाई ने खुश रहो बहादुर हमेशा वसते रहो इसे दुआना दो इजाजत खुदा हाफिज़ अल्लाह की जबान